ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नाउन, के नाउन क्या है। सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है नाउन की, वो देखेंगे कि नाउन बेसिकली कहा किसको जाता है। अ नाउन इज़ अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जो है वो नाउन कहा जाता है, इसको उर्दू में कहा जाता है। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए तो लाहौर, पेन, जीशान, ठीक है, मार्कर, मोबाइल फोन, पेन, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ नाउन। ये नाउन की एग्जाम्पल्स कहलाती हैं। अब आगे जो नेक्स्ट चीज है वो ब्रांचेस ऑफ नाउन की है, कि ब्रांचेस ऑफ नाउन क्या हैं जी। नाउन की कितनी इकसाम हैं, कितनी किस्म की किस्में हैं जो है नाउन की। टाइप्स ऑफ नाउन, अब जी टाइप्स ऑफ नाउन में जी, अ नाउन इज अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये पिछली ही आपको जो है दी गई है। इसके अंदर नाउन्स हैं कितने किस्म के, ये हमने देखने हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कंपाउंड नाउन है, जेंडर स्पेसिफिक नाउन है, नॉन काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन है। उसके बाद वर्बल नाउन है, जेंड भी नाउन कहलाता है, लेकिन इसको हम जो है एंड पे पढ़ेंगे। सबसे पहले जी हमने प्रॉपर नाउन की तरफ जाना है, कि प्रॉपर नाउन जो है वो क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा जी, प्रॉपर नाउन, बेसिकली प्रॉपर नाउन जो है वो, अगर प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन देखी जाए, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और अ पर्सन और अ पर्सनल नेम और एनी ऑफ टाइटल। किसी भी किस्म का जो है प्रॉपर नाउन जो है वो क्या है जी, एक स्पेसिफिक नेम अगर किसी चीज़ को दे दिया जाए, ठीक है, एक खास नाम अगर किसी चीज़ को दे दिया जाए तो वो क्या कहलाता है जी, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मिचल, अफ्रीका, ठीक है, या माइकल, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन, ठीक है, अली, उसके बाद इंग्लिश बुक, उसके बाद नाइन्थ क्लास, उसके बाद इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। इसकी एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, और ये चीज़ आपने नोट करनी है कि किसी भी किस्म का जो प्रॉपर नाउन है वो, उसका जो पहला लेटर होता है वो आपने जो है, जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है, चाहे वो लाइंस के दरमियान में आए या शुरू में आए, तो वो बायोलॉजिकली जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। लेकिन अगर वो मिड में भी आता है, लाइन के दरमियान में भी आता है, तो तब भी जो है वो क्या है जी, वो कम्प्लीटली जो है वो क्या किया जाता है जी, वो कम्प्लीटली जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस के हवाले से हम देखें, प्रॉपर नाउन की जो सेंटेंस है जी, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन ईच सेंटेंस जी, द बॉय थ्रो द बॉल टू हिज डॉग विल्सन। अब जी विल्सन जो है वो प्रॉपर नाउन है। उसके बाद दूसरा देखते हैं जी, आई हैड लाइक यू टू मीट माई फ्रेंड जेमी, वेल वी विल बी वोकेशनिंग इन स्पेन दिस ईयर्स, स्पेन मिसेस गिलबर्ट स्मिथ, डॉल्फिन्स, एमरेट एयरलाइंस, थॉम्स, टाइटैनिक, इसराइल, दीज आर प्रॉपर नाउन्स। किसी चीज़ के स्पेसिफिक नाउन्स कहलाते हैं ये। ये किसी भी चीज़ का जो है वो स्पेसिफिक नाउन है, खास नाम है। उससे आगे अगर देखा जाए तो कॉमन नाउन जो है, कि कॉमन नाउन जो है वो क्या चीज़ है, और अच्छा कॉमन नाउन,
कॉमन नाउन की सबसे पहले डेफिनेशन देखें अगर, तो ए कॉमन नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर समथिंग, यानी कि कॉमन नाउन जो है एक ऐसा नाउन है जो किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन किस चीज के लिए? इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए, इट इज वर्ड दैट अपीयर्स इन ए डिक्शनरी, ठीक है, यानी कि किसी जो है किसी चीज के लिए, उस चीज के लिए जिस चीज के लिए वो नाम भी इस्तेमाल हो, ठीक है, कुछ स्पेसिफाई ना किया गया हो, ठीक है, द कॉमन नाउन इज नॉट बी सेट स्पेसिफाई देयर, ठीक है, किसी चीज का जब नाम स्पेसिफाई ना किया जाए तो वो क्या कहलाता है जी, वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था जी, कौन सा जो है, हमने अली नाम पढ़ा था, ठीक है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन में तो अली की जगह पे जो है वो बॉय आ जाएगा, ठीक है, कॉमन नेम है, कार, मैन, ब्रिज, टाउन, वाटर, मेटल, ठीक है, वी डोंट नो अबाउट एनी अदर स्पेसिफिक नेम थिंग्स, ठीक है, और टाउन कोई भी टाउन हो सकता है, वो जो है किसी भी किस्म का, मैन कोई भी मैन हो सकता है, कार कौन सी है, वी डोंट नो अबाउट किस किस्म की कार है, वो कल्टस है, मेहरान है, जगुआर है, ब्रिज वी डोंट नो अबाउट द ब्रिज, वो कौन सा ब्रिज है, टाउन वी डोंट नो, ठीक है, सो दीज आर कॉमन नाउन्स। इसके अंदर कुछ इसकी जो है एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जी, सेंटेंस के अंदर अगर हम यूज करें जी, टीचर टीच इन स्कूल, टीचर टीच इन स्कूल, ठीक है, स्कूल वी डोंट नो अबाउट इट्स ए कॉमन नेम, वी डोंट नो दैट्स द एलिमेंट्री स्कूल, दैट्स द मिडिल स्कूल, दैट्स द हाई सेकेंडरी स्कूल, टीचर्स टीचर्स वी डोंट नो अबाउट द टीचर्स, ठीक है, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स क्या हैं जी, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन से बर्ड्स हैं, ठीक है, वो कौवे हैं, वो चिड़िया है, वो स्पैरो है, वो किस किस्म के बर्ड्स हैं, लिव ऑन ट्रीज, ट्रीज भी एक कॉमन नाउन है, ठीक है, हमें किसी के उस ट्रीज का जो है कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया। आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स, किस किस्म की स्टोरी बुक्स, वी डोंट नो अबाउट दिस। उसके बाद जी, चेयर मदर इज अ डॉक्टर, कौन सी डॉक्टर, वी डोंट नो अबाउट दिस। दीज चॉकलेट्स एंड केक्स आर सो डिलीशियस, ठीक है, सो कॉमन नाउन जो है, फॉर एग्जाम्पल कॉमन नाउन में अगर हम करते हैं तो गर्ल आ जाती है, ठीक है, और अगर इसको प्रॉपर नाउन में इसको जो है डाइवर्ट किया जाए तो गर्ल की जगह जो है वो मरियम आ जाएगी, एक स्पेसिफाई उसको नेम दे दिया जाएगा, एक स्पेसिफाई जो है उसको नाम दे दिया जाएगा। उसके बाद जी, अब डिफरेंस इन दोनों में क्या है जी, ठीक है, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में जी, जैसे फॉर एग्जांपल जी, इन द कॉमन नाउन इज लाइक दैट, डॉग, डॉग कॉमन नाउन है, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सा डॉग है, कौन सी नस्ल है, लेकिन जब उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है प्रॉपर नाउन के साथ तो हमें पता चल गया है, ठीक है, बिल्डिंग वी डोंट नो अबाउट द बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है, किस किस्म की बिल्डिंग है, कहाँ पे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का नाम क्या है, लेकिन जब हमने उसको प्रॉपर नाउन किया है, प्रॉपर एक स्पेसिफाई नेम दिया गया है तो हमें पता चल गया ये ताजमहल है, ठीक है, कार हमें कोई भी इसके बारे में पता नहीं कि ये कौन सी कार है, ठीक है, तो जब हमने उसको नाम दिया तो हमें पता चल गया जी कि वो फोर्ड है, वो कल्टस है, वो मेहरान है, वो होंडा सिटी है, वो सिविक्स है, सिटी, अब वी डोंट नो अबाउट द सिटी के कौन सी सिटी है, ठीक है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कॉमन नाउन में, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है जी, वो एक प्रॉपर नेम बन जाता है, ठीक है, सिटी लाहौर हो सकता है, एबटाबाद हो सकता है, कराची हो सकता है, ठीक है, फैसलाबाद हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मूवी वी डोंट नो अबाउट द मूवी, देयर इज अ लॉट्स ऑफ मूवीज इन द सिनेमाज एंड एनी ऑफ अदर एट द सोशल मीडिया, बट व्हेन वी स्पेसिफाई इज लाइक दैट, जब हम उसको स्पेसिफाई करेंगे तो हमने फिर हाँ भाई टाइटैनिक की मूवी, हाँ भाई ये जो है शाहरुख खान की मूवी, हाँ भाई ये भाई जो है उस बंदे की मूवी है, स्ट्रीट वी डोंट नो अबाउट द स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट हर चीज के हर मोहल्ले में गली है, ठीक है, हर शहर में गली है, हर जगह गलियां हैं, वी डोंट नो, लेकिन व्हेन वी स्पेसिफाई कि हाँ भाई इस स्ट्रीट का ये नेम है भाई, ये एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया उसको, सो दैट इज द थिंग दैट, so those are the difference between
प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। सो देयर इज द सम ऑफ द की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं जी। ए कॉमन नाउन डज नॉट स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर्स, यस। ए कॉमन नाउन इज डज नॉट स्टार्ट एन द कैपिटलाइज्ड लेटर, यस। बिकॉज क्योंकि कॉमन नाउन जो है ना वो एक स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो अगर कॉमन नाउन जो है वो सेंटेंस के दरमियान में आ जाता है तो देर इज नॉट सच एनी ऑफ इशू, उसको आप जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में जो है वो ना लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी, द वर्ड ऑर्डर इज ए कॉमन नाउन, इट शुड नॉट बी रिटन विद ए कैपिटल लेटर, ठीक है। अब जी दूसरी तरफ देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल इट इज द लार्जेस्ट चर्च इन, ठीक है, इन चर्च इन बिजियम या एनी ऑफ अदर, द वर्ड चर्च इज ए कॉमन नाउन, ठीक है। चर्च के है जी, ये कॉमन नाउन है, सी छोटा लिखा गया है, ठीक है। इट शुड नॉट बी रिटन विद ए कैपिटल लेटर बिकॉज चर्च, ठीक है, चर्च एक कॉमन नाउन है, मस्जिद, ठीक है, मॉस्क, मॉस्क जो है इट इज ऑल्सो ए कॉमन नाउन, वी डोंट नो अबाउट द स्पेसिफाई, ठीक है, कि ये कौन सी बादशाही मस्जिद है, नूरानी मस्जिद है, ये किसी भी किस्म की, ठीक है, चर्च कौन सा है, वी डोंट नो अबाउट द चर्च। When we specify that, then we can be write down that that's this type of a church. So these are the key points of the lesson and about the both of abstract noun and common noun. I hope you can understand very well, very well. So आज का अगर किसी को जो है किसी भी किस्म का कोई इशू हो तो वो हमें डिस्कस कर सकता है थ्रू द टेक्स्ट एंड एनी ऑफ अदर पॉइंट्स।